हेलो एवरीवन, राजस्थान नई भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। सरकारी परमानेंट नौकरी रहेगी, सहकारी बैंक भर्ती की ये विज्ञप्ति है। बिना सीईटी के आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए मेन वेबसाइट पर हम चलते हैं। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, राजस्थान सरकार, ये इसकी मेन वेबसाइट है। और आप लोगों को एडवर्टीजमेंट कहाँ मिलेगा, तो इम्पोर्टेंट लिंक आपको यहां नजर आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। 6/10/2023, 6 अक्टूबर 2023 को जो है ये एडवर्टीजमेंट आया है। डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एपेक्स बैंक एंड सीसीपी रिक्रूटमेंट 2023, काफी अच्छी जो है वैकेंसी है। और आपको आपके जिले में ही जो है नौकरी मिलेगी, सरकारी परमानेंट जॉब। तो इस पीडीएफ फाइल पर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे और बिल्कुल स्थायी नौकरी है ये। डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, 6/10/2023 को ये नई विज्ञप्ति जारी हुई है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके जिले वाइज जो है यहाँ पर कितने जो है पोस्ट है किस जिले में, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 6-7 पेजों पर आप लोगों को यही जानकारी मिलेगी। अभी पोस्ट का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बैंकिंग असिस्टेंट, ये पोस्ट ऐसी है जहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट पास स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ 12 और शहरिया क्षेत्र में जो है वो कुल कितनी सीट है, यहाँ पर 11 सीट है। उसके बाद टीएसपी एरिया में जो बैंकिंग असिस्टेंट की जो सीटें हैं कुल 35 सीटें हैं। नेक्स्ट नॉन टीएसपी एरिया में बैंकिंग असिस्टेंट की जो सीटें हैं तो यहाँ पर कुल जो वैकेंसी निकाली गई है 494, ठीक है। तो ये मौका जो है आप बिल्कुल जाने ना दें हाथ से, क्योंकि आपके ही जिले में ये नौकरी मिलने वाली है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की है। नॉन टीएसपी एरिया में कितने पद हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 पद हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है हायर पोस्ट है मैनेजर की, तो 12 और शहरिया क्षेत्र में 1 पोस्ट है। 7 जो पोस्ट हैं वो टीएसपी एरिया में है मैनेजर की पोस्ट की। और नॉन टीएसपी एरिया में यहाँ पर जो वैकेंसी हैं तो कुल 81 वैकेंसी है मैनेजर की, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दिखा देती हूँ। नॉन टीएसपी एरिया में सीनियर मैनेजर की 1 पोस्ट है। तो सबसे पहले जो है बैंकिंग असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट पास स्टूडेंट और साथ में जो है कंप्यूटर की नॉलेज जो है यहाँ पर मांगी गई है। आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा अगर है कंप्यूटर का तो अच्छा रहेगा। बाकी जो है ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर आपके पास बीटेक या बीई, एमसीए या एमएससी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इसमें चाहिए, या फिर एमएससी आईटी में। और यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए दूसरी चीज और भी कही गई है कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA, ठीक है, तो ये मांगा गया है। या फिर ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है कॉमर्स, इकोनॉमिक, साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और साथ में विद अ डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एक और ऑप्शन है अ ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स किसी भी जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री MCA, MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है 1 साल का जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पर कही गई है कि मिनिमम जो है 18 ईयर और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज रहने वाली है 40 ईयर। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उन्हें उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इस भर्ती परीक्षा वर्ष 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की जो है वो छूट मिल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मेल कैंडिडेट हैं जो कि SC ST बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, EWS है राजस्थान के, तो उनको 5 साल की छूट है।
और जनरल कैटेगरी की जो वुमेन है उनको 5 साल की छूट है, और ऐसी वुमेन जो कि SC ST बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस EWS से हैं, संबंधित हैं राजस्थान की, तो उन्हें 10 साल की है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं तो जनरल में काउंट होंगे, और यहाँ पर 40 साल जो है वो अधिकतम रखी गई है। ठीक है, पे स्केल जो है अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी मंथली जो पेमेंट क्या रहने वाली है, तो परमानेंट जॉब है, स्थायी है, और सीनियर मैनेजर की सबसे पहले आप देखें 43,830 से लेकर 94,900। कंप्यूटर प्रोग्रामर के जो पे स्केल है वो 34,090 से लेकर 87,370। मैनेजर की पोस्ट के लिए पे स्केल जो रहने वाला है तो आप देख सकते हैं 34,090 से लेकर 87,370। बैंकिंग असिस्टेंट, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर 17,070 से लेकर 80,230। ठीक है, और ये नौकरी जो है आपको पता है बैंक की नौकरी जो काफी अच्छी होती है। एग्जामिनेशन सेंटर भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों का केवल एक एग्जाम होगा, कोई प्री मेंस का जो है वो चक्कर नहीं है, मात्र एक एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, और एग्जाम जो है वह होगा आप लोगों का दिसंबर में, ये चीज जो है नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो है एग्जाम आपका दिसंबर के मंथ में होगा, और बिल्कुल दिसंबर में आप लोगों का ये एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वो क्या रखा गया है यहाँ पर, तो सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, तो यहाँ पर कुल 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी पूछा जाएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, रूल 2003, और स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का ही पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज भी जो है वो राजस्थान की ही पूछी जाएगी 30 नंबर की। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जो है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है वो 40 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, बाकी जो है प्रोफेशनल नॉलेज यानी कंप्यूटर प्रोग्रामर से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो है इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगी राजस्थान की, यहाँ पर भी 30 नंबर की है। कंप्यूटर नॉलेज है, अकाउंटेंसी है, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी जो है यानी 200 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहने वाला, एक ही जो है एग्जाम होगा, कोई प्री मेंस नहीं होगा। सिलेबस जो है यहाँ पर बताया भी दिया है कि सेकेंडरी और माध्यमिक लेवल का इंग्लिश में पूछेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिस तरीके से बैंक में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से यहाँ पर पूछे जाएंगे। रीजनिंग जो है आपकी पूछी जाएगी क्लर्क लेवल की, उसके बाद जो है मैथ्स होगी आपकी, जनरल नॉलेज राजस्थान में क्या पूछेंगे ये भी बता रखा है, जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, लिटरेसी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान, केवल राजस्थान के संदर्भ में ही आपको याद रखना है, क्योंकि बैंकिंग में जो है वो आप देखते हैं कि इंडिया, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारी कुछ आपको जो है याद रखनी पड़ती है, बट यहाँ पर केवल राजस्थान का ही पूछा जा रहा है। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपकी पूछी जा रही है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीजें, एमएस वर्ड, पूरा एमएस ऑफिस जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अकाउंटेंसी जो है वो पास कोर्स स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछा गया है, और इसमें भी जो है क्या पूछा जाएगा, तो ये डिटेल में जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो है वो आपका क्या रहेगा, तो वो आप देख लें यहाँ पर, तो आप लोगों को जो है वो राजस्थान के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो बनाए जाएंगे तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर, ये जो है एग्जाम सेंटर रहेंगे, और दिसंबर में जो है वो आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। अब सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई आप लोगों के, अब कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और मैंने आप लोगों को बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों को सबसे पहले करना होगा। जिन भी स्टूडेंट ने पहले किया हुआ है तो उनको दोबारा से जो है यहाँ फीस भरने की जरूरत नहीं है, और जिन्होंने पहली बार जो है वो करेंगे तो उनको यहाँ पर जो फीस यहाँ दी जाएगी एक बार पंजीयन शुल्क की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, तो सामान्य वर्ग, क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 600 रुपये यहाँ खर्च करने होंगे, और उसके बाद बाकी जो नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और EWS कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति स्टूडेंट हैं, तो उनको 400 रुपये खर्च करने होंगे। समस्त दिव्यांगजन आवेदक को 400 रुपये यहाँ पर खर्च करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि
अगर पहले पूर्व में एक बार पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके हैं अभ्यर्थी, तो दोबारा से जो है उनको शुल्क दे नहीं है, ठीक है? तो दोबारा से जो है पैसे यहाँ पर खर्च नहीं करने होंगे। कॉल लेटर जो है वो आप लोगों को इस मेन वेबसाइट आप लोगों को चेक करते रहना है, दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम होगा, यहीं पर जो आप लोगों को पता चलेगा। अलग से जो है वो कोई भी कॉल लेटर की सूचना आप लोगों को नहीं दी जाएगी, ना ही कोई पोस्ट आएगा, ना कोरियर आएगा, ठीक है? तो ये मेन वेबसाइट का लिंक है, तो मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और बाकी जो चीज़ें हैं कैसे जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें सारे इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे। काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी टाइम के बाद जो है वो वैकेंसी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की आई है, तो ऐसा मौका बिल्कुल जाने ना दें। और भी वैकेंसी जैसे ही आती है वो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।